जय माता दी, आपके बीच बैठे हुए भगवान को, माता रानी को प्रणाम करता हूँ। और भगवान श्री कृष्ण जी की जन्माष्टमी आ रही है, तो सबकी आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। श्री रामलला जी का मंदिर बनना आरंभ हुआ है, बहुत बड़ी बात है, उसकी भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपसे बहुत ही एक अहम बात करना चाहता हूँ, जो मुझे आप सबसे मिलता हूँ, आपके फोन से, ईमेल से, जो भी मुझे पता चलता है। आपने भक्ति को, रूहानियत को, साधना को, ध्यान को बहुत डिफिकल्ट बना दिया। वास्तव में ध्यान साधना इतना डिफिकल्ट नहीं है, इतना कठिन नहीं है। मेरे विचार से उस बहुत ही आसान है, कहीं बाहर ढूंढना ही नहीं है ना, हमारे अंदर है, और अपने अंदर से ही एकाकार हो जाना। पर हम आज कर्मकांड में कभी शनि का दान, कभी राहु का दान, कभी ग्रहों का दान, कभी और छोटी छोटी बातें, उनमें इतना उलझ जाते हैं कि हम सही अध्यात्म को भूल ही जाते हैं। जबकि सही रूहानियत, सही अध्यात्म, सही स्पिरिचुअल आपके अंदर है, उस परमात्मा ने, उस ईश्वर ने, उस यूनिवर्स ने हमें इतनी शक्ति दी है, और उसने जो कह के भेजा है कि इंसान तुम्हें इस दुनिया में भेज रहा हूं, तेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, तू कुछ भी कर सकता है। आप सोचो कि आज तक इंसान ने क्या क्या किया, कितना कुछ कर दिया। अगर प्लेन चलता देखते हो, इंसान की खोज है, इंसान ने किया। बड़े बड़े ब्रिजेज देखते हो, वो भी इंसान ने किया। बड़ी बड़ी ट्रेन देखते हो, इंसान ने किया। आज एक डॉक्टर हार्ट ट्रांसप्लांट कर सकता है, वो किसने किया? इंसान ने किया। ताकि क्योंकि इंसान में भगवान ने, परमात्मा ने, ईश्वर ने बहुत शक्ति दी है, बल्कि उसके शक्ति का प्रयोग करें। एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक साइंटिस्ट, एक अच्छा मैनेजमेंट करने वाला, एक अच्छा बिजनेसमैन, एक अच्छा फाइनेंस का नॉलेज रखने वाला, अच्छा लेखक, अच्छा शायर, अच्छा कवि, अच्छा गायक, अच्छा आर्टिस्ट, ये सब भी किसी संत महात्मा से कम नहीं है, क्योंकि अपनी अपनी लाइन में उन्होंने भी प्रभु से सीधा सीधा पाया और आपको दिया सबको। अगर कोई अच्छा गायक गाता है तो ईश्वर की कृपा है, माता रानी की कृपा है, उसकी कृपा के बिना नहीं गा पाता। जब वो स्पेशल है तो फिर वो गाता है, तो क्यों, तो वो भी संत स्वरूप हुआ। और बहुत से संत, बहुत से गायक संगीत की साधना करते करते पूरे रूहानियत को पहुंच गए। शुरुआत उन्होंने किसी और ढंग से की, पर संगीत की साधना करते करते वो परमात्मा को पा गए। और नादिकाल से भी चला आ रहा, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी, बाबा फरीद जी, रहीम जी, सूरदास जी, जिन्होंने भगवान को पाया। सूरदास जी के बारे में एक बहुत बड़ी बात आती है, वो आंखों से नहीं देख सकते थे, पर उनकी तीसरी आंख खुली हुई थी, वो सदा
भगवान श्री कृष्ण को देखते थे, उनके साथ क्रीड़ा करते थे, उनके साथ बात करते थे, उनको उनकी शक्तियों को महसूस करते थे। कैसे होंगे वो, इससे बड़े संत क्या हो सकते हैं। तो आप भी सब कुछ कर सकते हैं, आप अपने आप को पहचाने, अपने अंदर उस सोई हुई शक्ति को पहचाने, उस शक्ति से एकाकार करें, ध्यान की मंत्र जाप की बातें ना करें। बातें करने से कुछ नहीं होगा, जैसे शुरू मान लीजिए 100 लोग करते हैं साधना ध्यान, धीरे 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 कोई एक आध रह जाता, दो रह जाते हैं, सब छोड़ जाते हैं। जैसे पिछली बार भी आपको कहा था कि हर काम अगर आप ध्यान से करोगे, प्रत्येक काम में ईश्वर को साक्षी रखकर करोगे, तो जब आप ध्यान में जाओगे, मंत्र जाप में जाओगे, साधना में जाओगे, तो माँ आई जाएगी, उसकी कृपा हो ही जाएगी। हम पूर्ण नहीं हो पाते, पूर्ण रूप से सरेंडर नहीं हो पाते, तो आपको कभी गुरु भी आपके कोई मंत्र देते हैं, आप उसको गूगल पे सर्च करते हो, कोई डॉक्टर दवाई देते हैं उसको भी गूगल पे सर्च करते हो, आपको कुछ आपके माता पिता समझाते हैं बेटे श्री राम भगवान किस वंश से थे, तो पिताजी कहते हैं बेटा ब्रह्मा जी के वंश से थे, ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि हुए, उसके बाद आगे आगे वंश चला, आप उसको भी गूगल पे सर्च करते हो, जहीं पे ही सारी बात रुक जाती है। गुरु के प्रति श्रद्धा रखना, उनको पता है कि आपसे कैसे क्या काम कराना है। जैसे कोई शरारती बच्चा होता है तो एक टीचर अच्छी तरह से जानता है कि इस बच्चे से कैसे काम कराना है। कोई बहुत इंटेलिजेंट बच्चा होता है तो उसको दूसरी क्लास में जल्दी जल्दी अपग्रेड कर देते हैं। आपने सुना कभी कभी एक साल में बच्चे 3-3 क्लास कर देते हैं, तो गुरु को पता होता है कि इस बच्चे के साथ कैसी स्थिति करना है। आप पूर्ण रूप से श्रद्धा के साथ लग जाएं और अच्छी तरह से ध्यान करें, अपने एक इष्ट बना लें, अपने गुरु महाराज के चरणों में लगें, अपना एक गोल रखें, अपना एक संकल्प रखें। जो हम संकल्प करते हैं ऐसे जल लेते हैं हाथ में, चावल लेते हैं, पुष्प लेते हैं, जल छोड़ देते हैं, जब तक आपका संकल्प आपके मन, आपके वचन, आपके कर्म, आपके भाव, फीलिंग नहीं होती है तब तक वो संकल्प अधूरा है, चाहे 2 घंटे मंत्र बोलते रहे। अगर मन वचन कर्म भाव से आपने ठान लिया तो समझ लो वो संकल्प बहुत बड़ा हो गया। वो संकल्प को, वो शक्ति को पूरा करना ही पड़ेगा, कोई रोक नहीं सकता है। आज भी जग जाओ, आप नींद से चाहे 4 बजे उठ जाते हो पर अपनी लाइफ में भी पूर्ण रूप से जग जाओ। जैसे जग जाओगे, ये मैं आपके साथ प्रॉमिस करता हूं, मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूं पर वो प्रॉमिस निश्चित रूप से पूरा होगा। हम सदा क्लीम काली का इनमें शब्द का जाप कराते हैं, मंत्र का जाप कराते हैं। क्लीम शब्द, क्लीम मंत्र श्री महाकाली जी के लिए भी है और भगवान श्री कृष्ण जी के लिए भी है। अगर आप आज रात से बुधवार तक
क्लीम नमः क्लीम नमः क्लीम नमः का जाप एक घंटा करते हो, उसके बाद जैसे आपको ध्यान में रोज सिखाते हैं वो करते हो, आपको देखना कि आपका जीवन चेंज हो जाएगा। क्लीम शब्द में बहुत बड़ी शक्ति है। क्लीनिंग के लिए महाकाली जी का जाप करें, और जैसे जैसे आप ध्यान में आगे बढ़ते हो, साधना में आगे बढ़ते हो, और तंत्र विज्ञान महाकाली जी को श्री कृष्ण भगवान को एक कर देता है, आप एक सच में बहुत बड़े बड़े इंसान बन जाते हो, सच में संत स्वरूप हो जाते हो। आप अभी क्लीम नमः मंत्र का जाप करेंगे अपने आप की नेगेटिविटी को दूर निकालने के लिए। इसको प्रतिदिन करना चाहिए, कभी कभी नजर से, जलसी से, और भी कितनी वजह है जिसकी वजह से हमारे मन में नकारात्मक विचार आ जाते हैं। एक मिनट में ना जाने हजारों विचार चलते हैं। कभी कभी हमारा मन, हमारी बॉडी, हमारे चक्रज उस नेगेटिव को ग्रहण कर लेते हैं, वो आपको पता नहीं चलता। जैसे जैसे आप कभी ध्यान में बैठते हो, वो नेगेटिव स्थितियां उत्पन्न होने लगती हैं। बहुत से लोगों ने पूछा है कि जब हम ध्यान में बैठते हैं, साधना में बैठते हैं, तो हमारे मन में बहुत नेगेटिव विचार आते हैं, जिसके लिए चर्चा करेंगे। पर अभी आप क्लीम नमः का जाप करें। जिनको दुनियावी सुख चाहिए और आध्यात्मिकता का बैलेंस चाहिए, वो क्लीम नमः करें, और जिनको सिर्फ शुक्रिया ही करना उस ऊपर वाले की शक्ति का, सब कुछ मिल गया, अभी इच्छा है कि बस उसके चरणों में रहते रहते मोक्ष में चले जाएं, वो ओम क्लीम नमः करें। तो जो कुछ भौतिकता भी चाहते हैं, आध्यात्मिकता भी चाहते हैं, वो क्लीम नमः करें। क्लीम नमः 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 थोड़ा फास्ट करेंगे। क्लीम नमः 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 मन में मंत्र का जाप करें। अगर खेचरी मुद्रा कर सकते हैं तो खेचरी मुद्रा में जाप करने की कोशिश करें।
स्लोली स्लोली मन में ध्यान करते हुए सभी चक्राज को क्लीन करने की कोशिश करेंगे। आज्ञा चक्र से रेजेज देते हुए पहले चक्रा पे, मूलाधार चक्रा पे मूलाधार चक्रा क्लीन होने से हम बहुत सी बीमारियों से मुक्त होते हैं। मानसिक रूप से बीमारियों से, शरीर रूप से बीमारियों से धीरे धीरे सेकंड चक्रा को क्लीन करें। सेकंड चक्रा क्लीन होने से पारिवारिक लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, भौतिक सुखों में वृद्धि होती है। आपकी रेजेज सेकंड चक्रा को क्लीन कर रही है, आज्ञा चक्र से रेजेज जा रही है। ऐसे थर्ड चक्रा को क्लीन करें, नाभि चक्रा को। नाभि चक्रा हमारी हेल्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके भय को दूर करता है, डर को दूर करता है। स्टमक से रिलेटेड कोई भी जो प्रॉब्लम है उनको ठीक करता है। किडनी, लिवर, ये समझ लो नाभि चक्र दोरा है आपके जीवन का, ये मेन है। जैसे ये कमजोर हो जाएगा तो बहुत मुश्किल आ जाएगी। जैसे कितनी बार ऐसा होता है ना, जब कोई आप शॉकिंग न्यूज सुनते हो, कोई परेशानी की बात सुनते हो, एक ही क्षण में जिनका चक्रा कमजोर है नाभि चक्रा पे इफेक्ट होता है। कभी उसी टाइम बाथरूम जाना पड़ता है। नाभि चक्रा आपको साहसी बनाता है, रिस्क लेने की शक्ति देता है, आगे बढ़ने की शक्ति देता है। धीरे धीरे हार्ट चक्रा को रेजेज दें। वास्तव में ये प्रेम का चक्रा और प्योर प्रेम का चक्र, जिनका हृदय चक्र विकसित होता है वो प्रेम करते करते ही प्रभु को पा लेते हैं, दुनियावी रूप से भी सक्सेस होते हैं, परिवार के रूप में भी बहुत खुशी महसूस करते हैं और छोटी छोटी बातों में वो खुशी ढूंढ लेते हैं। जिनका हृदय चक्र अच्छा नहीं होता, हर टाइम दुखी रहेंगे, शिकायत करते रहेंगे, कोई भी अच्छा नहीं लगेगा।
धीरे धीरे कंठ चक्रा को रेजिज दें। जिनका कंठ चक्रा विकसित होता है, बोलने में बात करने में उनका कोई सानी नहीं होता। अच्छे संगीतकार, अच्छे गायक, अच्छे वक्ता उनका कंठ चक्रा बहुत विकसित होता है। कई लोगों का जन्मजात ही विकसित होता है। जिन लोगों का कंठ चक्रा विकसित नहीं होता, बहुत बड़ी बड़ी गप मारेंगे, बहुत बड़ी बड़ी बात करेंगे और प्रैक्टिकली कुछ नहीं होगा। हम अपने लिए बहुत नुकसान करते हैं। बड़ी बड़ी प्लानिंग बनाएंगे, बड़ी बड़ी बात करेंगे, परिवार में दोस्तों में बड़ी बड़ी चीजें कह जाएंगे पर प्रैक्टिकली नहीं करेंगे। जैसे जैसे कंठ चक्रा ठीक होने लगेगा, आपका जीवन भी ठीक होने लगेगा। आज्ञा चक्र के बारे में आप जानते हैं, आज्ञा चक्र पे ध्यान करें। आज्ञा चक्रा नाम ही ऐसा है, इसके पीछे कलेक्टिव माइंड है। आप जो भी ऑर्डर दोगे, जो भी आज्ञा दोगे, जो भी ब्रह्मांड से मांगोगे, जो भी आपका संकल्प होगा, जो भी आपका गोल होगा, यह आज्ञा चक्रा पूरा करके रहेगा। इसलिए आपसे सदा प्रार्थना करता हूं कि जितने शुद्ध हो सकते हो, जितने प्योर हो सकते हो, प्योर बनिए। जितना पॉजिटिव सोच सकते हो उतना पॉजिटिव सोचिए। जितना दूसरों से प्यार कर सकते हो प्यार कीजिए। जितना थैंक्स कर सकते हो उस परमात्मा का, उसकी शक्तियों का, जितना भी थैंक्स कर सकते हो, आप सुबह से थैंक्स करने लगोगे तो कारण खत्म नहीं होंगे। अच्छी पवन के लिए, अच्छी धरती के लिए, अच्छे घर के लिए, अच्छे माता पिता के लिए, अच्छा जीवन देने के लिए, शरीर को निरोग रखने के लिए। हमारी एक आदत बन गई है कि जो कुछ हमारे पास होता है उसके लिए हम थैंक्स नहीं करते, जो नहीं होता उसकी शिकायत करते हैं। तो दोस्तों, ब्रह्मांड को, ईश्वर को ये पता नहीं है कि जो शिकायत कर रहा है किस चीज को पसंद कर रहा है, क्योंकि बार बार जब हम किसी चीज का नाम लेंगे वो आ ही जाएगी। इसीलिए जो जिंदगी में लोग शिकायत करते हैं, कंप्लेंटिंग नेचर के होते हैं, बार बार दूसरों का बुरा सोचते हैं, एक दिन अचानक उनमें सब अटैक आ जाते हैं। आप जितना थैंकफुल हो सकते हो थैंकफुल होइए। देखें आपका आज्ञा चक्र कितना आगे बढ़ता है। ये प्राइमरी बातें हैं जो मैंने आपको कहा था कि सबसे आसान है। सबसे आसान है सच बोलना, सबसे आसान है दूसरों का भला करना। जाते जाते कोई व्यक्ति मिल गया, आप गाड़ी में जा रहे हो, पैदल जा रहे हो, किसी को हेल्प की जरूरत है, कोई माता खड़ी है, वजन नहीं उठा पा रही, सब्जी का बैग पकड़ा हुआ, तो आप पकड़ के उनको हेल्प कर सकते हो, आप कर दोगे, किसी को पानी पिला दोगे, किसी को पशु पक्षी का भला कर लोगे, जो भी कर सकते हो, आपका आज्ञा चक्र विकास होगा। ये साधना है, ये ध्यान है। इसके बाद सहस्र दल चक्र आता है। कहते हैं जैसे हजार कमल खिल जाएं, तैसे हमारे इस चक्र की शक्ति है कि कमल की तरह खुलता जाता, खुलता जाता, खुलता जाता। जिनका पूर्ण रूप से खिला होता है उनके प्राण ऐसे ऊपर से निकलते हैं। आप शक्ति क्रिया मुद्रा करेंगे। आज्ञा चक्र पे ध्यान रखेंगे।
धीरे धीरे हाथ उठाएंगे, आंख खोलेंगे। अगर आप चक्रा की साधना कर लेते हो, आप किसी भी धर्म से रिलेटेड हो, जो सबके साथ है, जो चक्रा शरीर में कहीं दिखाई नहीं देते हैं, पूरी सर्जरी कर लोगे फिर भी नहीं मिलेंगे, पर कैसे ढूंढे होंगे उन ऋषियों ने, उन मुनियों ने, उन पीरों ने, उन फकीरों ने, उन महापुरुषों ने, जे चक्राज जो जो चीजें आपको कहीं वह ब्रीफ में कही है, डिटेल में जाएं तो एक चक्रा के लिए भी कई घंटे लग सकते हैं, तो जे चक्राज उस रेजेज को अट्रैक्ट करते हैं, आप खींचते हो। नेगेटिव होंगे तो नेगेटिव खींचते रहोगे, पॉजिटिव होंगे पॉजिटिव खींचते रहोगे। किसी दूसरे का काम अच्छा हो रहा है तो खुशी मनाइए, दूसरे के घर में अच्छा हो रहा है तो भगवान का शुक्र करिए, भगवान इसका अच्छा किया मेरा भी तो आ जाएगा ना। जितना आप बड़े मन के होंगे उतनी आपकी कृपा होगी। अभी हस्तकला हरिम का जाप करेंगे, हस्तकला हरिम, 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 मन में मंत्र का जाप करें। इस हस्तकला हरिम की जगह अगर आप अपने गुरु मंत्र का जाप करते हो तो इससे भी अच्छी बात होगी। संकल्प शक्ति को बढ़ाने के लिए आप प्राण साधना जरूर करें। प्राण साधना
स्थिति प्राण से रिलेटेड है। हम तब तक हैं जब तक हमारा प्राण चलता है। जैसे प्राण का स्विच ऑफ हो जाएगा, हमारा शरीर नहीं रहेगा, हमारी आत्मा तो रहेगी। तो प्राण का कनेक्शन सीधा भगवान के साथ है, ईश्वर के साथ है। आप गहरी सांस लें, सांस को रोकें जितना रोक सकते हैं, फिर छोड़ दें। जब भी आप सांस लेते हैं तो आपका पेट फूलना चाहिए। कोशिश करें जितनी रोक सकते हो रोकें, फिर धीरे धीरे छोड़ें, बहुत आराम से, बहुत प्यार से। मिनिमम 30 टाइम करें, मैक्सिमम 50 टाइम तक कर सकते हो। अपने इष्ट का जहां ध्यान करें, अगर इसको आप 2-3 मिनट का वक्त लगता है, दिन में 2-3 बार करोगे तो आप मेंटली स्ट्रेस से बिल्कुल निकल जाओगे, डिप्रेशन से निकल जाओगे, आपके क्लीनिंग भी होती रहेगी। इष्ट देव की कृपा भी होती रहेगी। इस अभ्यास को करें, इस प्रैक्टिस को करें। ये जितना नॉलेज है आपको, जितना भी ज्ञान है, जब आप उसको प्रैक्टिकल रूप नहीं देंगे, जब तक तब तक वो ज्ञान दूसरे का है, आपका नहीं है। किसी दूसरे के अकाउंट में $1,000,000 पड़े हैं, आप उसका हिसाब किताब करते हो, आपके नहीं है। कितनी भी गिनती कर लो, जब आपके अकाउंट में आएंगे तभी अपने होंगे। आप अपने नॉलेज को, अपने ज्ञान को, आप सीखी हुई विद्या को जब प्रैक्टिकल रूप दोगे तभी आपकी होगी। और आपके साथ जो भी शेयर करता हूं वो अनुभव सिद्ध है, जो मुझे साधना करते करते प्राप्त हुआ, आप लोग करते हो, आपसे भी जानने को मिला। पर जिनके जिन बच्चों के ध्यान की दूसरी अवस्था है, दूसरी स्टेट है, तीसरी स्टेट है, उनके लिए अलग से है। और इस चीज को तो सभी प्राइमरी वाले करें, सभी को करना चाहिए। और जैसे जैसे इसको आप करेंगे तो आपके ध्यान की यात्रा, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी अपने आप होने लगेगी, आपको आपके अंतर से भी मार्गदर्शन मिलने लगेगा। मंत्र जाप करते करते अपने इष्ट का ध्यान करें, उनको देखते देखते उनके चरणों को जल से स्नान कराएं, दूध से स्नान कराएं, पंचामृत से स्नान कराएं। मन ही मन अच्छे से अच्छे फूलों से उनका श्रृंगार करें। अच्छे अच्छे उनको वस्त्र पहनाएं, अच्छे अच्छे अलंकार पहनाएं उनको। निहारें उनके स्वरूप को प्यार से, आराम से। अपनी बात कहें, अपनी कथा व्यथा कहें,
जो भी आ गए, कभी कभी इष्ट देव नहीं आ पाते, दूसरी शक्ति आ जाती है, जो भी आई हैं उनका वेलकम करें, स्वागत करें, अब उनको उनके साथ बात करें। जो कुछ आपके साथ कृपा हुई है उसके लिए थैंक्स करें, धन्यवाद करें। आप अपना संकल्प, अपना गोल विजुलाइज करें कि माता रानी ने, भगवान ने आपका संकल्प पूरा कर दिया, आपका गोल पूरा कर दिया। गोल पूरा होने के पश्चात जो स्थिति होगी आपकी, उसी पे पहुंच जाएं। जय हमारे मन की सुंदरता है, ध्यान की सुंदरता है। व्यक्ति कल्पना करता करता कुछ भी कर लेता है, जब उस कल्पना को साकार रूप देता है उस दिव्य शक्ति की कृपा से, उसकी अलग बात होती है। सबका गोल पूरा हो गया, माता रानी का, भगवान का, ईश्वर का, अपने गुरु महाराज जी का, माता जी का, पिताजी का थैंक्स करें, शुक्रिया करें। जो जो व्यक्ति, जिन जिन लोगों ने आपके जीवन में कोऑपरेट किया, आपको सहयोग दिया, उनका भी थैंक्स करें। किसी ने कभी आपको डाउन करने की कोशिश की होगी, आपको छेड़ा होगा कि तू कुछ नहीं कर सकता और आप बहुत आगे बढ़ गए, उसका भी शुक्रिया करें, क्योंकि आपको नहीं ऐसी बात करता, नहीं आग लगाता, शायद वहीं के वहीं बैठे रहते। मयूर पंख मुद्रा करें। इसको 3 मिनट के लिए करना चाहिए कम से कम। धीरे धीरे हाथ उठाएं, आंख खोलें, ऐसे स्पर्श करें, अंजलि मुद्रा करें। गुरु ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। महारानी, भगवान, गुरुदेव आप पे बहुत कृपा करें, आपको शक्ति दें, शांति दें, जीवन में प्रोग्रेस करें, जीवन को एंजॉय करें, फिर आपके भीतर बैठी हुई माता रानी को, भगवान को प्रणाम करता हूँ। जय माता।